कलोनिस्ट प्लस टैबलेट, इसे जो कि प्रीश्योर मेडिकेयर द्वारा बनाया जाता है, इसका जो पैक है वह 10 कैप्सूल का, कॉस्ट इसकी 205 रुपया है। तो कब डॉक्टर आपको इसे देते हैं या कब आपको इसे लेना चाहिए, किस तरह की समस्या में लेना चाहिए, क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, क्या डोजिंग हो सकता है, कितने दिन तक ले सकता है, अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कलोनिस्ट प्लस टैबलेट जो है इसके अंदर की इंग्रेडिएंट है जैसे कि एलिमेंटल कैल्शियम है, एल मिथाइल फोलेट है, मैग्नीशियम है, मिथाइल कोबेलामाइन है, विटामिन K2-7 है, और इसमें जिंक सल्फेट है, विटामिन D3 है। तो जब आपका बोन से रिलेटेड समस्या रहती है जिसमें जैसे कि बोन डिजेनरेशन हो रहा है यानी आपकी बोन डेंसिटी कम है, तब इसे दिया जाता है, या जैसे कि आपका बोन से रिलेटेड दर्द रहता है तो उसमें इसे दिया जाता है, और जैसे कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तभी से दिया जाता है। यह हेल्प करता है न्यू ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, और ये मसल्स रिपेयर में भी हेल्प करता है न्यू सेल्स के जनरेशन करके। तो इसका इस्तेमाल जैसे कि आप करना चाहते हैं तो जब आप जैसे जनरल वीकनेस है उसमें भी कर सकते हैं, और जैसे कि आपको विटामिन की डिफिशेंसी जैसे कैल्शियम और जैसे कि विटामिन D3 की, तब इसे ले सकते हैं, और जैसे कि आपकी चलने और थलने में जो आप थकावट हो जाती है, और जैसे कि आपका जॉइंट दर्द होने लगता है तब इसे दिया जाता है। यह आपके कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है जिसकी वजह से आपका बोन डेंसिटी अच्छी हो जाती है, जो आपकी तकलीफ हो रही थी उठने बैठने चलने फिरने में वह कम हो जाती है, और जिससे कि आपका स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम भी अच्छे से हो जाता है जब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर की सलाह से इसे इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप करेंगे तो हो सकता है ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा आपको मेटालिक टेस्ट महसूस हो सकता है, तो और जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है और गैसेस बन सकते हैं पेट में। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको जरा से इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसका जो डोजिंग रहता है वंस डेली रहता है, और जैसे कि कभी कभी डॉक्टर ट्वाइस डेली बोलते हैं, लेकिन इसका जो कि महीने डेढ़ महीने के लिए ही किया जाता है, और उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। जैसे आपका वीकनेस दूर हो जाता है, आपकी समस्या दूर हो जाती है, इसे बंद कर दिया जाता है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और जैसे फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।